दोस्तों लॉन्च हो गया न्यू लैंड 56x4x4। दोस्तों इसके अंदर फ्रंट में चार वेट है 40-40 के, और आप ये स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं इसकी। दोस्तों ये 65 हॉर्स पावर का टर्बो लगा हुआ इंजन है। दोस्तों 3 सिलेंडर इंजन है, दोस्तों CRDI इंजन है, और ये आप देख सकते हो दोस्तों। और इसके दोस्तों फ्रंट टायर है 11-24 के, और अगला हिस्सा की बात करूँ तो दोस्तों बहुत ही मजबूत हिस्सा दे रखा कंपनी ने आगे का, और ये इसके ऊपर मडगार्ड भी लगा रखे अगले हिस्से पे। और दोस्तों ये सुक्का एयर क्लीनर है, जो एक अलग आता ऑयल वाला वो नहीं है दोस्तों, ये CRDI इंजन है इसलिए। और मैं इसकी बात करूँ दोस्तों, ये वाटर सेपरेटर अलग से लगाए हुए हैं दोस्तों, ये लिफ्टों के पंप भी। और ये दोस्तों नीचे का जो रोड आ रही है दोस्तों आगे, वो इंजन से बहुत नीचे है, और इस पर कोई कवर भी नहीं है। ये कंपनी को ध्यान देना चाहिए, इस पर कवर लगानी चाहिए दोस्तों कंपनी को, ताकि नीचे से इसको कोई नुकसान ना हो। और दोस्तों इसका इसका प्लेटफार्म है वो फ्लैट तो नहीं है, और ये प्लेटफार्म भी कई कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है दोस्तों अपनी जगह। और दोस्तों इसकी प्लस है, TX प्लस है, पिछले टायर 1630 के, पिछले टायरों पे भी वेट है दोस्तों दो दो। और हम बात करें पिछले हिस्से की, तो दोस्तों ये देखो इसका जो EPI रिडक्शन वाला हिस्सा, कंपनी 52 वॉल्व है दोस्तों 12 वोल्ट का। और दोस्तों इसकी PT पावर है 60 हॉर्स पावर की, और लिफ्टिंग कैपेसिटी है दोस्तों 2200 किलोग्राम की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। 6 साल की वारंटी देती है कंपनी, और न्यू लैंड एग्रीकल्चर दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है देखने में। दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसमें ये आगे देख सकते हो सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग दिया हुआ है, और ऊपर चढ़ने के लिए पायदान, और आप ये दोस्तों विंडशील्ड दिए हुए हवा को रोकने के लिए, गर्म हवा को, और कंफर्ट एश्योर्ड सेफ्टी। दोस्तों ये PTO का लीवर अलग से दिया हुआ है, और दोस्तों इसमें ये देखो आप ऊपर से इसका व्यू ऐसे दिखता है। दोस्तों इसकी गियरों की बात करें तो इसके अंदर हाई लो मीडियम और चार वो, तो दोस्तों 12+3 गियर स्पीड हो गई दोस्तों इसकी। आप ये हाथ वाली रेस है दोस्तों, आप देख सकते हो।